उपमंडल नालागढ़ के तहत पहाड़ी हल्केराम शहर की कट्टल खड़ में एक बाइक बहने के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें कि सौरगांव का रहने वाला एक युवक अपनी बाइक पर सवार होकर अपने काम पर नालागढ़ की ओर आ रहा था। जैसे ही वह कट्टल खड़ के पास पहुंचा तो अचानक हुई बारिश के कारण खड़ में भारी मात्रा में बारिश का पानी आ गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया ड्यूटी से लेट होने की वजह से उसने बाइक को नदी से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह नदी में बाइक समेत ही बह गया। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे निकालने के लिए कोशिश तो की गई, लेकिन उसका कहीं पर भी कोई सुराग नहीं लगा। आपको बता दें कि 13 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को 3.5 किलोमीटर नीचे नदी से निकाला गया। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से युवक के शव को नदी से निकाल लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जाँच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान शशिपाल शर्मा और 34 वर्ष के रूप में हुई है, जो कि नालागढ़ के चौकीवाला के एक निजी दवा कंपनी में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, नालागढ़ के सिविल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच भी शुरू कर दी है। बड़ा भाई, हाँ, तो क्या काम करते थे ये? कंपनी में जॉब। अच्छा, और इनके परिवार में और कौन कौन है? मैं हूँ और 3 लड़कियाँ हैं। बेटियाँ 3 हैं इनके, और माता पिता बुजुर्ग है? क्या काम करते हैं वो? माता पिता बुजुर्ग है, खेती बाड़ी करते। जैसे घर से आ रहे थे ड्यूटी के लिए, सुबह की ड्यूटी थी, शाम को निकल जाते घर से। जैसे घर से आ गए तो बारिश लग गई रास्ते में, काफ़ी देर तो रुके रहे, रास्ते में भी कम हो जाएगी बारिश, पर बारिश कम नहीं हुई। फिर आ गए, जैसे ही नाला क्रॉस कर रहे थे वो पानी जैसे बढ़ गया जाते, और वैसे ही थोड़ा सा बाइक टेढ़ा हुआ और चल गया पानी। ये तो कोई 10-11 घंटे के बाद में दूर जाके 3.5 किलोमीटर दूर, 3.5 किलोमीटर शाम के घूमे सुबह मिले। कल रात को थाना रामशहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो था वो रामशहर की तरफ से नालागढ़ की तरफ जा रहा था, और कट्टल नाला के पास जो था वो काफ़ी पानी भाव अधिक होने के कारण जो है मोटरसाइकिल सहित बह गया है, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पाया मोटरसाइकिल तो करीब 200 मीटर नीचे जो है खड्ड में पाया गया था। और लेकिन शाम को जो है उस जो व्यक्ति है जिसका नाम बाद में शशिपाल ज्ञात हुआ है, वो उसकी बॉडी रात को नहीं मिली थी, लेकिन आज प्रातः जो है वो उसकी बॉडी को जो है रिकवर कर लिया गया है, और ये अधिक पानी का बहाव होने के कारण जो है वो मोटरसाइकिल बही है, जिस कारण यह हादसा हुआ है।